हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रबलीन एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ जोश मनी। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप ना अपने साथ नोटबुक एंड पेन जरूर रखिए, क्योंकि ये टॉपिक सभी के लिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। वेल, ये आपने अपने घर में सबको कहते सुना होगा कि हमारे टाइम में ना 1 रुपए की वैल्यू आज के 100 रुपए के बराबर है। इसका क्या मतलब है, ये आपने कभी समझने की कोशिश की है? अगर नहीं तो इस वीडियो के बाद आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स समझ आ जाएंगे। इन्फ्लेशन, शायद ये टर्म आपको नया लग रहा होगा, लेकिन हम सभी कहीं ना कहीं इस चीज से डील कर रहे हैं। इन्फ्लेशन किस तरह से साल दर साल बढ़ी जा रही है, ये तो हम सब देख ही रहे हैं। तो इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि इन्फ्लेशन क्या है, कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं एंड ये कितने टाइप्स के होते हैं और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सपोज आपने अपनी अलमीरा में 50,000 रुपए रखे हैं और जब उस अलमीरा को आप 10 साल बाद खोलते हैं तो उसमें सिर्फ 20,000 रुपए रह जाएंगे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आई एम श्योर कि आप शॉक हो जाएंगे, लेकिन आपको पता है ये चोरी किसने की? इन्फ्लेशन। जी हाँ, वो इन्फ्लेशन ही है जो आपकी जेब को धीरे 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 खाली करता है और आपको पता भी नहीं चलता है। इसलिए आपके भी पैसे ऐसे ही धीरे धीरे खत्म होने लगे, उससे पहले इन्फ्लेशन को अच्छे से जान लेना ही बेहतर होगा। इन्फ्लेशन में बेसिकली होता ये है कि हमारे पास जो भी पैसे की वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। अब इसका क्या मतलब है? अच्छा, जब हम स्कूल में थे तो 10 रुपए में एक समोसा, एक चाय, एक चॉकलेट ले लेते थे, है ना, और 2-3 रुपए बचा भी लेते थे। लेकिन अब क्या ऐसा पॉसिबल है? अब तो 10 रुपए में इन सब में से 1 या 2 चीजें ही मिल पाएंगी। यही होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में हमारे पैसे की परचेजिंग पावर कम होती रहती है, यानी कि इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई का बढ़ना। तो देखने में भले ही वो पैसा सेम हो, लेकिन उसकी वैल्यू हमारे लिए सेम नहीं होती। अब जानते हैं इन्फ्लेशन कितने टाइप्स का होता है। नंबर 1, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नंबर 2, डिमांड इन्फ्लेशन। नंबर 3, इकोनॉमी ग्रोथ। एंड नंबर 4, करेंसी डेप्रिसिएशन। पहले जानते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में डिमांड और सप्लाई का अफेक्ट पड़ता है। इसका मतलब है डिमांड बढ़ेगी तो भी प्राइसेस बढ़ेंगी, और प्राइसेस बढ़ेंगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसी के साथ अगर सर्विसेज की सप्लाई कम हुई तो प्राइसेस बढ़ेंगे, और अगेन प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अब जानते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। एक तो है जब रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ते हैं, दूसरा है जब लेबर कॉस्ट बढ़ते हैं, और तीसरा है जब प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के रेट्स बढ़ते हैं। ये तीनों चीजें जिस भी परसेंटेज में बढ़ती हैं उसका सीधा अफेक्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट पर आता है। इसे ही हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दूसरा टाइप है डिमांड इन्फ्लेशन। डिमांड इन्फ्लेशन का सीधा कनेक्शन होता है डिमांड और सप्लाई से। मतलब कि सपोज किसी भी चीज की डिमांड सडनली मार्केट में बढ़ने लगेगी तो उसकी सप्लाई लिमिटेड है, तो जाहिर सी बात है कि उसके प्राइसेस भी बढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि किस चीज की डिमांड सडनली कैसे बढ़ती है, तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? एक तो ये कि सपोज आपकी सैलरी बढ़ गई हो, सपोज आपकी सैलरी 10,000 से 20,000 हो गई है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप 10,000 खर्च करने के बारे में सोचेंगे। अब आपकी सैलरी सडनली बढ़ी है लेकिन सर्विसेज की सप्लाई तो सेम ही है ना, तो उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए कंपनीज को सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, जिसका सीधा इफेक्ट प्राइसेस पर आएगा, जिससे अगेन इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तीसरा टाइप है इकोनॉमी ग्रोथ। मतलब कि अगर इकोनॉमी में ग्रोथ होगी तो हमारी पॉकेट में ज्यादा पैसे आएंगे। अगर पैसे ज्यादा आएंगे तो हम ज्यादा खर्चे करने लगेंगे, जिससे हर चीज की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो उन चीजों की वैल्यू बढ़ेगी, और वैल्यू बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगी, जिससे इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा। लास्ट रीजन है करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन भी कई रीजन से हो सकता है, लेकिन इसका मेन रीजन ये है कि जब सरकार ज्यादा से ज्यादा करेंसी प्रिंट करने लगे, ज्यादा से ज्यादा करेंसी प्रिंट होने से करेंसी अपनी वैल्यू लूज करने लगती है, और ये एक बहुत ही डेंजरस रीजन है क्योंकि इससे हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन भी आ सकती है। अब जानते हैं इन्फ्लेशन किस तरह से हमें इंपैक्ट करता है। तो यहां पर इसका सीधा फैक्टर होता है इनकम ग्रोथ। इसका मतलब कि अगर आपकी इनकम ग्रोथ इन्फ्लेशन से ज्यादा है तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट आप पर ज्यादा नहीं होगा। लेकिन यहां पर यह बात भी ध्यान देने वाली है कि यह इनकम ग्रोथ इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में किस तरह से हो रही है। चलिए आपको सिंप्लीफाई करती हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। हाँ, मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 थी लेकिन अब वो 22,000 हो गई है। इसका मतलब कि आपकी सैलरी में 10% की ग्रोथ थी, और इंडिया में करंट इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 6% के आसपास।
तो इसका मतलब हुआ कि आपने इन्फ्लेशन को बीट कर दिया है, इसीलिए इस केस में आप पर इन्फ्लेशन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरा केस कंसिडर करते हैं कि आपकी इनकम में ग्रोथ हुई है 6%, मतलब कि आपकी सैलरी 20,000 से 21,200 कर दी गई है। तो यहाँ पर आपकी इनकम ग्रोथ और इन्फ्लेशन रेट दोनों सेम है, तो आपके लिए मॉडरेट सिचुएशन बन जाती है, यानी कि इन्फ्लेशन ना ही आप पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी और ना ही आप पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। और अगला केस कंसिडर करते हैं, अगर हमारी मंथली इनकम 20,000 से 21,000 हो गई है, यानी कि ग्रोथ लगभग 5% के आसपास हुई है, जबकि इन्फ्लेशन रेट है 6% का, तो यहाँ पर हमने इन्फ्लेशन को बीट नहीं किया है, तो ये हमारे लिए काफी टेंशन की बात हो सकती है। इसीलिए हमारा टारगेट हमेशा यही होना चाहिए कि इनकम की ग्रोथ ऐसी हो कि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सके। तो इन सब में अगर आप पहले ब्रैकेट यानी इनकम ग्रोथ इज मोर देन इन्फ्लेशन रेट में आते हैं, तो आपके लिए इन्फ्लेशन से डरने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप 2 या 3 वाले ब्रैकेट में आते हैं, तो यहाँ पर आपकी इनकम ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए आपको, ताकि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। अब जानते हैं कि कितना इन्फ्लेशन रेट हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर होता है। वैसे तो इन्फ्लेशन रेट जनरली 2 से 3% का हो तो उसे हेल्दी कहा जा सकता है, क्योंकि इसे इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ती है और अच्छे ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पर हम मैक्सिमम 4 से 5% का इन्फ्लेशन रेट हेल्दी कंसिडर कर सकते हैं। अब जानते हैं कि कौन सा इन्फ्लेशन रेट हमारे लिए और इकोनॉमी के लिए थोड़ा टेंशन का पॉइंट हो सकता है। अगर इन्फ्लेशन रेट 9 से 10% तक चला जाता है, तो उससे ना ही सिर्फ हम पर और आप जैसे लोगों पर बर्डन आ जाता है, बल्कि गवर्नमेंट के लिए भी एक चिंता की न्यूज़ बन जाती है। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि इन्फ्लेशन गवर्नमेंट करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्फ्लेशन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इसमें हम कभी ना कभी चाह के भी ज़्यादा चेंजेस नहीं ला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कुछ रॉ मटेरियल्स के प्राइजेस बढ़ गए हों, हम इंटरनेशनल मार्केट से इम्पोर्ट करते हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इन्फ्लेशन रेट बढ़ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। अब जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में इन्फ्लेशन की क्या सिचुएशन है। पिछले 1-2 सालों में इन्फ्लेशन रेट में काफी कमी आई है, और ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि कोविड की वजह से लोगों ने शॉपिंग करनी कम कर दी है, घूमना फिरना कम कर दिया है, खर्चे कम कर दिए हैं, जिससे कि चीजों की डिमांड कम हो गई है, तो उनकी वैल्यू भी कम हो गई है, और वैल्यू कम होने से इन्फ्लेशन रेट भी कम हो गया है। अच्छा, हमें से कई लोग सोचते हैं कि कितना अच्छा होगा ना अगर 0% इन्फ्लेशन रेट हो जाए, मजा ही आ जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, इन्फ्लेशन रेट 0% होना हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा? हमें अपना जवाब नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर अगर आप मेरा व्यू पूछेंगे तो मेरा जवाब ये होगा कि इन्फ्लेशन रेट कभी भी 0% नहीं होना चाहिए, वो हमेशा 2 से 3% एटलीस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो आपकी इनकम ग्रोथ नहीं होगी, वहीं पर रुक जाएगी, जिसका इफेक्ट आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर भी आ सकता है। अब जानते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट हमारे पैसों को कितने टाइम में कम कर देगा। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसे हम रूल ऑफ 72 कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सपोज इन्फ्लेशन रेट करंटली 6% पर है, तो चलिए जानते हैं कि आपके पैसे कितने टाइम में आपको आधी वैल्यू देंगे। 72/6 यानी 12। इसका मतलब अगर आप अभी 10,000 रुपए अपनी अलमारी में रख देते हैं, तो 12 साल बाद उनकी वैल्यू आधी यानी कि सिर्फ 5,000 ही रह जाएगी। ये कैलकुलेट करके आप अकॉर्डिंगली अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आखिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक करता है, यानी कि हमारे देश में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदारी आरबीआई की है। तो अब सवाल ये आता है कि आरबीआई इन्फ्लेशन को आखिर कंट्रोल कैसे करती है। तो ये आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को कम या ज्यादा करके करती है। जैसे कि अगर आरबीआई अपने इंटरेस्ट को बढ़ाती है, जिसे हम नॉर्मली रेपो रेट कहते हैं, जब रेपो रेट बढ़ेगा तो बाकी के बैंक्स भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो कम लोग लोन लेंगे, और कम लोग लोन लेंगे तो करेंसी सर्कुलेशन में कम आएगी, और कम पैसे सर्कुलेट होंगे तो इन्फ्लेशन भी लो हो जाएगी। तो यहाँ एक बात तो समझ आ गई है कि रेपो रेट को कम या ज्यादा करके इन्फ्लेशन रेट को एक लेवल तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा कम करेंसी प्रिंट करके भी इन्फ्लेशन रेट को लो किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन कितने टाइप्स के होते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है,
इन्फ्लेशन रेट्स कौन से हेल्दी होते हैं, करंटली क्या रेट है इन्फ्लेशन का, अगर इन्फ्लेशन 0% हो जाए तो, रूल ऑफ 72 क्या है, इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। आपके इन्फ्लेशन को लेकर क्या व्यू है ये हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी जोश मनी की अगली वीडियो में। इसके अलावा आप किन किन टॉपिक्स पर चाहते हैं कि हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएं उसके बारे में बताएं, जरूर नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।